Let me first create one simple code. You just observe the LCD. Don't type even a single line on the computer. All eyes just on LCD. Don't type even a single line till I tell you. Okay? Listen, jo aaya hai offline mein. Aur ye Bhanu. Bhanu ko zara maine dekhna hai. Kaun hai? I'm not having it. Who is Bhanu? Your project was very good in the class. I think you are the only one who got outstanding remark. You also. Two here and two in 10th day. Outstanding to koi compromise ko kuch mein tight comparison koi nahi. Okay, I am starting with HTML tag. I am not considering title tag. I am not considering head tag. They are not mandatory. They are not mandatory. I am not taking these two in consideration. Okay. अब मैंने यहाँ पे BG color लिया. I am taking silver. The very first tag which I have to start with is table tag. The table tag marks the beginning and ending of the tables in HTML. अब मैं एक लाइन बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना. HTML टैग मार्क्स द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ वेब पेज. टेबल टैग मार्क्स द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ टेबल्स इन HTML. कुछ ऐसे टैग्स हैं जो वेब पेज के बेसिक टैग्स होते हैं, जिन्हें आप स्ट्रक्चरल भी कहते हो. ओके, HTML हो गया हेड, टाइटल एंड बॉडी. दीज फोर दे आर द स्ट्रक्चरल टैग्स. बट कुछ ऐसे टैग्स हैं विच डील्स विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल. अब ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हो गए. आई स्पीक टू क्वेश्चंस, ट्राई टू लिसन केयरफुली. फोर बेसिक टैग्स दैट मेक्स अप द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज. तो यू से HTML टाइटल लास्ट बेंच एंड हेयर नॉट देयर. Your Kartik, right? HTML head, title and body. Name four basic tags or name four elements that makes up the structure of table. अब structure of table की बात आ गई तो चार tags होंगे. Table tag, caption, PD, TR और TH. Total पांच tags हो गए. ये पांचों टैग्स टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करने में हेल्प करते हैं. ओके, टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट, टू डिफरेंट आंसर्स. डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय दिस वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज. अभी फर्स्ट टैग जो मैंने आपके सामने बनाया, दैट इज द टेबल टैग. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट विच इज मैंडेटरी, which is compulsory to take, that is the border. अब मैं एक लाइन बोल रहा हूं. अभी आपका जो टर्म टू का पेपर होगा वो सब्जेक्टिव होगा. आपको प्रॉपर कोडिंग्स आएंगी पेपर में बनाने के लिए. जिया भवन 20 रोल नंबर, राइट? बी क्वाइट. अभी आपको टर्म टू में कोडिंग क्वेश्चंस आएंगे. आपको टेबल का स्ट्रक्चर दिया होगा और नीचे इंस्ट्रक्शंस होंगे. द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन नॉर्मली विच कम्स इज द साइज ऑफ बॉर्डर इज 4. एंड व्हाट स्टूडेंट्स दे राइट? बॉर्डर साइज इक्वल टू 4. इट इज नॉट बॉर्डर साइज, इट विल रिमेन बॉर्डर ओनली. द साइज वर्ड जस्ट सिग्निफाइज द थिकनेस ऑफ द बॉर्डर. Doesn't mean that you have to write the size word along with the attribute. Attribute border ही रहेगा. Size word सिर्फ ये signify कर रहा है कि उसकी thickness क्या है. Okay? So I am taking the thickness 4. If I am not taking any color to the border, by default the color is gray. If I am not taking any color for the border, by default the color is gray. If I want to specify the border color,
एट्रीब्यूट इज बॉर्डर कलर, इट इज वन वर्ड. देर इज नो सच एट्रीब्यूट इन एचटीएमएल विच हैज स्पेस और विच हैज अंडरस्कोर. ठीक है, सो आई एम टेकिंग हियर द बॉर्डर कलर रेड. And for time being, I am closing this angle bracket. अभी मैं दो attribute लेके चल रहा हूं. Whenever you are to create the coding of table, the biggest mistake committed by student is Daksh, क्या हो गया? Some problem coming. The coding students they write in vertical order. Vertical order से मेरा मतलब है वो column wise चलते हैं. आपको कॉलम वाइज नहीं चलना, आपको रो वाइज चलना. हमेशा अपने माइंड में ये याद रखना कि कोडिंग टाइप करते वक्त योर मूवमेंट शुड बी हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल से मेरा मतलब है पहले एक रो बनेगी, उसमें जितने सेल्स हैं वो फ्रेम करके देन यू विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट रो, देन अगेन यू विल गो इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. द मूवमेंट यू टाइप द कोडिंग इन वर्टिकल फॉर्म, there and there the complete cross will go in the coding. और अगर 5 marks की coding हुई आपको 0 मिलना सीधा होगा. ठीक है, अब दूसरी बात, think logically. When I am creating one row, okay, I have 4 cells in that row. First cell I created, second cell, third cell and fourth cell. अभी मैं इनको 4 सेल्स कह रहा हूं, इनडायरेक्टली दे आर 4 कॉलम्स. यू एग्री? आपके डिस्प्ले बोर्ड पे टाइम टेबल का चार्ट बना हुआ है, उसको इमेजिन करो जहां फर्स्ट पीरियड सेकंड थर्ड ये लिखे होते. वो कहने को तो रो के सेल्स हैं, पर इनडायरेक्टली लॉजिकली सोचो वो कॉलम भी है. जितने सेल्स वर्टिकली बन रहे हैं वो एक कॉलम बन गया ना, तो आपके सेल्स मिलकर एक कॉलम को फ्रेम कर रहे हैं. और क्वेश्चन नंबर गया, हाउ टू रेज योर हैंड, डोंट गिव द मास आंसरिंग. हाउ टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ सेल्स, जस्ट रेज योर हैंड एंड लेट मी काउंट हाउ मेनी आंसर्स विल कम एंड हु विल गिव द मैक्सिमम आंसर. Okay, Vivan. Too good. Number of rows multiply number of columns. अगर 4 rows हैं, 3 column हैं, तो 12 cells हो गए. ठीक है? Buddy boy, clear है? Okay. Now shifting to TR. Whenever you are to create a row, आपको जब भी row frame करना है, तो आप TR टैग कंसिडर करोगे. TR मींस टेबल रो, टेबल रो. कमिंग इनसाइड द फर्स्ट रो, द नंबर ऑफ सेल्स यू वांट, द नंबर ऑफ टाइम्स यू विल टेक TD टैग. मैं आपको कुछ टाइम के लिए लिस्ट में लेके जा रहा हूं. जस्ट अ मिनट. So I was telling that when I am to create the row, so I have to take TR. अब मैं आपको कुछ टाइम के लिए लिस्ट में लेके जा रहा हूं जो टर्म वन में हमने की थी. UL लिस्ट है, मान लो UL लिस्ट है, ठीक है? उसमें आपको 5 आइटम्स चाहिए, तो 5 बार तुम लिस्ट आइटम टैग कंसिडर करते थे. यू यूज टू टेक 5 टाइम्स द लिस्ट आइटम टैग. Got it? Similarly, the number of times you want cells, the number of time you will take TD tag or TH. Abhi TH ko bhul jao, pehle TD pe focus karo. Ab mera pehla cell hai TD. TD stands for table data. This particular tag is used to create the data cells in the table. Whatever content, whatever data you want to insert in the cell, enclose the data in between the opening and the closing TD tag.
जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंपल मंथ का नाम लिख रहा हूँ जैन, मंथ के नाम ले रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में जैन एंड क्लोज द टीडी। पहली रो का पहला सेल क्रिएट हो गया और मेरी मूवमेंट अभी ऐसे है, हॉरिजॉन्टल जा रहा हूं मैं। पहली रो का दूसरा सेल, पहली रो का तीसरा सेल, आई वॉन्ट थ्री सेल्स इन वन रो, इनडायरेक्टली तीन कॉलम्स। अब अपने माइंड में ब्रेन में एक इमेज क्रिएट करो कि सिर्फ एक रो है और उसके तीन सेल है और हॉरिजॉन्टल रहो ऐसे। ये गलतियां होंगी, ये होती हैं, आंसर शीट पे हमेशा ये गलतियां होती हैं और टर्म टू में परफेक्शन चाहिए, 100 पूरे चाहिए तो कोडिंग में परफेक्ट हो जाओ। द मोर यू विल बी परफेक्ट इन द प्रोग्रामिंग द मोर हायर इज योर स्कोर, राइट। सो हियर आई एम क्लोजिंग द पीआर, फर्स्ट रो क्लोजेस। अब आई एम सिलेक्टिंग दिस, आई एम कॉपी पेस्टिंग इट एंड आई एम क्रिएटिंग द नेक्स्ट रो। आई मेक रिक्वायर्ड चेंजेस ओवर हियर, मंथ के नाम ऊपर नीचे हो जाए तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। राइट, सो टू रोस वन रो थ्री सेल, सेकंड रो थ्री सेल्स, ओके। देन शिफ्टिंग टू थर्ड रो, अगेन आई मेक सम चेंजेस ओवर हेयर, सो आई हैव थ्री रोज, थ्री यानी इनडायरेक्टली जो मेरा स्ट्रक्चर बना है टेंथ डी, वो सबसे पहले एक रो बनी है जनवरी फरवरी एंड मार्च, then I am on the second row April May and June, then I am on the third row July August and और मेरी movement ये है, ये मेरी movement है। अब एक और concept है, मुझे इस table को एक title देना है and I am giving title months. When I say title to the table, that is caption. That is caption. Caption कब लगाना है और कहां लगाना है ये देखो इधर। मैं table tag पे जा रहा हूं, यहां पे tr से पहले table tag के बाद enter की press की, before starting the first row and after the table command give the caption tag, write your caption and close the caption tag. Instruction mein kya likha hoga 10th D, caption of the table is this, jo bhi caption hogi to wo caption aapne caption tag mein enclose kar denge, caption opening caption closing, got it? Up till here if everything is clear just raise your thumbs up, thumb means clear hai. If not clear just raise your hand, I'll understand. Daksh kya nahi clear hua, ha ha table ke bilkul upar kaise aap kahan lagana chahte ho, dekho caption hai title display karna, where you will place the caption tag wahan pe wo title display ho jayega, but preferably we use it for the table. Any further queries? So here I finally close my table tag and here finally I close the body tag, I close the html tag. Keep whatever we can.
टेंथ डी टेबल लेक्चर डॉट एचटीएमएल। राइट नाउ आई एम ओपनिंग इट इन इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्योंकि मुझे एक और कॉन्सेप्ट बताना है और वो एक्सप्लोरर में ही आपको प्रॉपर विजिबल होगा। ये अभी एक सैंपल टेबल आपके सामने आ गया, राइट? व्हाई आई हैव ओपन इन एक्सप्लोरर, आई विल टेल द रीजन फॉर दैट। आप इसको क्रोम में भी व्यू कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये आपका अभी एक सैंपल टेबल है। अब मैं कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर रहा हूँ बताने, उनको दिमाग में रखना। बाय डिफॉल्ट टेबल की प्लेसमेंट देखो कहाँ पे, जो पूछूंगा बोलते जा रहा हूँ। टेबल की प्लेसमेंट बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड है। व्हाट इज द अलाइनमेंट ऑफ डाटा इनसाइड द टेबल बाय डिफॉल्ट, और कैप्शन देखो बिल्कुल टेबल के ऊपर है। I have not used align attribute on table. I have not used align attribute on the data of the table. Everything is by default on the left. If I say alignment on table and I say alignment on data, they are not the same. They are two different concepts. Aligning with some, please explain in the class. Alignment of table is not the alignment of the data in the table. If you are aligning the table, it will bring the table on the left, on the center, or on the right. But it has nothing to do with the data of the table. If you want to set the alignment of the data, this January, February and all that, for that you have to set the alignment in TR or TD. Clear? Ek to ye concept ho gaya. Second, I'm adding one attribute over here, border color light. One single word. And I am giving it the color yellow. Carefully notice what I have done. Only two areas of the border, only two areas of the border are colored, the top side and the left side. Aur ye feature sirf explorer mein view hoga. ये एट्रीब्यूट क्रोम में वर्क नहीं करेगा, इसलिए मैंने एक्सप्लोरर में टेबल आपको ओपन किया है जस्ट टू एक्सप्लेन दिस एट्रीब्यूट। सो आई हैव फोर साइड्स ऑफ टेबल। ये टेबल का बॉर्डर है 1, 2, 3 and 4। व्हेन आई से बॉर्डर कलर लाइट, इट विल अफेक्ट द टॉप एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द टेबल। Okay, if I say border color dark, it will affect the right side and the bottom side. मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूं। I am taking over here border color dark equal to Check it out. ठीक है, और ये सिर्फ एक्सप्लोरर में व्यू कर सकते हो। मैं इसको क्रोम में भी दिखाता हूं, मैं खोल के इसी कोडिंग को मैं क्रोम में ओपन करता हूं। ये देखो, इट
इज अपेयरिंग इन द ग्रे कलर, और जो मैंने कलर लगाए थे लाइट और डार्क, दे आर नॉट एप्लीकेबल ओवर हियर. ओके, देयर आर सम फीचर्स व्हिच आर नॉट कंपैटिबल विद एवरी ब्राउज़र. फाइन, चलो वी क्विट. मैं तो अभी उठा नहीं, दस सबसे पहले उठा है.